युद्ध अल्मोड़ा के मंदिर अपने आप में सभी मशहूर हैं, लेकिन कई ऐसे मंदिर हैं जिनकी अक्सर चर्चा होती रहती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अल्मोड़ा से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर गौराड़ गोलू देवता का मंदिर। आप सोच रहे होंगे कि कहीं हम चितई गोलू देवता की बात तो नहीं कर रहे, लेकिन जी नहीं, हम बात कर रहे हैं कल्बिष्ट डाना गोलू देवता की। कल्याण सिंह बिष्ट को डाना गोलू देवता के मंदिर से जाना जाता है। भक्तों की माने तो जो भी यहाँ दिल से मांगता है उसकी मुरादें जरूर पूरी होती हैं। देखिए, कैलबिस्ट जो है उस दौर के एक महान योद्धा रहे हैं जिस दौर में राजाओं का शासन था। वो अपनी भैंसों को लेकर के यहाँ से तराई तक जाया करते थे और तराई से वापस आते थे। उन दोनों तरह तरह के आक्रमण हो रहे थे। उन्होंने उन आक्रमणकारियों को जो है पहाड़ से पहाड़ को बचाया और उनकी ख्याति इतनी फैली कि राजा लोग भी उनसे द्वेष करने लगे। अंततः राजा ने उनको मरवा डाला। जब उनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद भी वो उनकी जो रूह है वो अच्छे काम करते रही और इसी को ध्यान में रखते हुए, उनके इसी गुणों को देखते हुए आज भी लोग उनसे अपेक्षा करते हैं, मन्नतें मांगते हैं और उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। स्थानीय लोगों की माने तो कल्बिष्ट एक पशुपालक थे और उनकी भैंसों को चराने के लिए जंगल में जाते थे। जब जंगल में कल्बिष्ट को मारा गया था तो उनका सिर और धड़ अलग अलग स्थानों पर चले गए थे। उनके साथ उनकी भैंसें भी पीछे पीछे दौड़ पड़ी और उनके शरीर के पास भैंसों ने पत्थर का रूप ले लिया। स्थानीय लोग ये बताते हैं कि डाना गोलू को छल कपट से मारा गया था। लोगों की माने तो पटिया गाँव के चंद वंशी राजाओं के दीवान रहे सम्राट पांडे उर्फ नौलखा पांडे ने कल्याण बिष्ट को मरवाया था। वैसे तो कल्बिष्ट को कोई नहीं मार सकता था, पर उन्हें छल कपट से मारा गया था। बता दें कि विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं और जब उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, तो वे आकर घंटी और भंडारा इत्यादि कराते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।